क्या गहलोत नहीं बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष? क्या आलाकमान गहलोत से नाराज है? अब क्या करेंगे सचिन पायलट? क्या अशोक गहलोत अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या वे राजस्थान मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या उनके गुट के विधायकों की बगावत से नाराज होकर आलाकमान ने गहलोत को पार्टी का सर्वोच्च पद नहीं सौंपने का निर्णय किया है? या खुद गहलोत केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानते हुए अध्यक्ष बनेंगे? अब वो कौन होगा जिस पर कांग्रेस आलाकमान भरोसा कर अध्यक्ष का नाम आगे करेगा? हालांकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व या अशोक गहलोत ने कुछ नहीं कहा है, पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बदली हुई परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी कई वजहें बताई जाती हैं। रविवार रात जिस तरह अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने बगावत कर दी, सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया, इस्तीफे की धमकी दे दी, यहां तक कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक तक में नहीं आए, उससे कांग्रेस आलाकमान खफा है। कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन इंतजार करते रह गए। विधायक सीएलपी की बैठक में भाग लेने नहीं गए। ये बैठक मुख्यमंत्री के घर पर होनी थी, वहां दोनों केंद्रीय नेता इंतजार करते रहे और गहलोत गुट के विधायक नहीं गए। समझा जाता है कि इससे ये दोनों नेता नाराज हैं और उनकी अपनी रिपोर्ट केंद्र को दी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस में ऐसा शायद पहली बार हुआ है। वहां ये परंपरा रही है कि केंद्र मुख्यमंत्री को चुनता है और सभी विधायक उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। गहलोत गुट के विधायकों ने आलाकमान की पसंद पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया है कि अगला मुख्यमंत्री उनमें से ही किसी को बनाया जाए। सियासी गलियारों में ये कहा जा रहा है कि इसे सिर्फ विधायकों नहीं बल्कि अशोक गहलोत की बगावत के रूप में देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं होगा। ये स्थिति गहलोत के लिए भी ठीक होगी क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष बेमन से ही बनने जा रहे थे। वे राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते थे। राजस्थान छोड़ने पर भी वे अपने पसंदीदा आदमी का हाथ कमान थमा कर दिल्ली जाना चाहते थे। याद दिला दे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही नेता केरल गए थे, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और राहुल गांधी से बात भी की थी। राहुल गांधी ने यह साफ कह दिया था कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर ही चलेगी। मतलब साफ था कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। गहलोत भी राजी हो गए थे, लेकिन जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे आलाकमान के निर्देश को लागू करने जयपुर पहुंचे तो गहलोत ने चतुर राजनेता की तरह चाल चल दी। उनके ही घर में बैठक होनी थी, उनके ही लोग उसमें नहीं गए। इसके उलट एक मंत्री शांति धारीवाल के यहाँ बैठक की और उसमें भी बगावत का ऐलान कर दिया। शाह और मात के इस खेल में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को पटकनी दे दी है, पर राजनीति में शाह और मात थोड़ा हटकर होता है, वहाँ संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। सचिन पायलट शायद ऐसी ही संभावना की तलाश में हों।